Hello dear student, today I am going to teach you your next part of chapter 7 in computer subject. ये सब जो हमारा chapter 7 चल रहा है, हमने have fun with touchpad जो हमारा chapter 7 का name है title, जिसमें हमने पिछले lectures में सारे concept, different tools, facilities और concept देखा. आज आगे बढ़ते हुए हम उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 7 उसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 88 आपकी टेक्स्ट बुक में निकालिए. आप पेंसिल से फिल अप करते रहिए, टेक्स्ट बुक में लिखते रहिए. पेज नंबर 88 क्वेश्चन 1, लेबल द मेन स्क्रीन ऑफ टक्स पेज शोन हियर. यहां पर आपको टक्स पेज की स्क्रीन दी गई विंडो, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एरो डाले गए हैं. नीचे ब्लैंक्स है, उसमें आपको ब्लैंक्स फिल अप कर दिए. कौन से हिस्से को, कौन से पार्ट को कैसे देखना है पूरा. फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कौन सा है, टूल बार. क्या है टूल बार. सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ड्राइंग कैनवास. नंबर 2 इज ड्राइंग कैनवास. नंबर 3 कौन सा है, सिलेक्टर. और नंबर 4 इज कलर पैलेट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 5, लास्ट पॉइंट हेल्प एरिया. हेल्प. सो बच्चों, क्वेश्चन वन फर्स्ट पे टूल बार, सेकंड पे ड्राइंग कैनवास, थर्ड पे सिलेक्टर, फोर्थ में कलर पैलेट और फिफ्थ में हेल्प एरिया. 5 जो है उसको आप लिख लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से लिखकर फिल अप कर लीजिए. क्वेश्चन 2 देखते हैं. पुट अ टिक मार्क इफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड अ क्रॉस मार्क इफ इट इज नॉट. सही के सामने टिक मार्क और गलत के सामने आपको क्रॉस मार्क करना है. सो फर्स्ट ए देखते हैं. यू कैन सिलेक्ट अ पिक्चर बैकग्राउंड टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. सो बिल्कुल सही है, इसके सामने टिक मार्क करनी. बी देखते हैं. यू कैन क्लोज द टच पेन विंडो बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड. बिल्कुल गलत है, क्रॉस मार्क कर दीजिए. सी देखते हैं. यू कैन नॉट प्रिंट द पिक्चर्स इन टच पेन. यू कैन नॉट प्रिंट द पिक्चर्स इन टच पेन. गलत, क्रॉस मार्क. इरेज़र टूल्स हेल्प यू टू रिमूव अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग. बिल्कुल सही है, टिक मार्क कर दीजिए. ई देखते हैं. नंबर 5, द टूल बार इन द टॉप पेन हैज 16 टूल्स. बिल्कुल गलत है, क्रॉस मार्क कर दीजिए. तो ए सही है, बी गलत है, सी डी गलत है, डी सही है और ई गलत है. अब देखते हैं आगे. ये देखते हैं क्वेश्चन 3, राइट द नेम ऑफ द टूल नीडेड टू डू द फॉलोइंग. लेफ्ट साइड पर टास्क और एक्शन दिए गए, राइट साइड पर बच्चों हमें जो टूल है उसका नाम लिखना है. ए टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम यहां पर लाइन टू क्या लिखेंगे, लाइन टू. बी देखते हैं. टू ओपन सेव ड्रॉइंग. टू ओपन सेव ड्रॉइंग, आंसर इज ओपन टू. आंसर क्या
ओपन टू सी देखते हैं टू ड्रॉ अ फिल रेक्टेंगल जिसमें कुछ कलर या डिजाइन से कलर से फिल किया हो ठीक है तो ड्रॉ अ फिल रेक्टेंगल तो उसमें बच्चों क्या है क्या देखो आप ठीक है क्या करोगे बोलो सेम स्कूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना ठीक है तो हम यहां पर आंसर लिख सकते हैं कौन सा आंसर लिख सकते हैं या तो हम देख सकते हो आप यहां पर क्या है और एक बार ग्रो ऑफ फील रेक्टेंगल उसमें क्या आएगा सेम स्कूल आंसर इज सेम स्कूल सी डी देखते हैं टू क्लोज टक्स पेन टू क्लोज टक्स पेन उसमें क्या आता है क्विक टूल बाहर निकलने के लिए एग्जिट होने के लिए जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था क्विक टूल ई देखते हैं टू कैंसल द लास्ट चेंज मेड तो उसमें आता है रिडू टूल आर ई डी ओ रिडू ए में लाइट टूल बी में ओपन टूल सी सेल्फ टूल डी क्विक टूल और ई में अब क्वेश्चन 4 सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए से लेकर 5 तक क्वेश्चन है ई तक 5 क्वेश्चंस उसके 3 ऑप्शंस हैं आपको सही ऑप्शन चुनना है दिस इज द एरिया वेयर द कार्टून मैस्कॉट ऑफ द टच पेन प्रोग्राम अपीयर्स सेलेक्ट द हेल्प एरिया ड्राइंग कैनवास तो उसमें आएगा ए में थर्ड ऑप्शन ड्राइंग कैनवास आंसर इज ड्राइंग कैनवास बी देखते हैं विच टूल इज सिमिलर टू अ पेंसिल और पेपर्स उसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन ए वाला फर्स्ट ऑप्शन पेपर सी देखते हैं वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एस ऑन द कीबोर्ड वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एस ऑन द कीबोर्ड टू सेव पिक्चर ओपन पिक्चर या एग्जिट ऑप्शन आंसर फर्स्ट ऑप्शन सेव पिक्चर इज अवर आंसर डी देखते हैं यू कैन यूज दिस टूल टू राइट टाइटल फॉर योर पिक्चर लाइंस प्रिंट और टेक्स्ट सो आंसर थर्ड ऑप्शन ए बी सी टेक्स्ट वन ई देखते हैं लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन यू यूज टू ड्रॉ अ हेक्सागन फर्स्ट ऑप्शन न्यू सेकंड ऑप्शन सेव थर्ड ऑप्शन Answer is second of six sets. Question 5. Fill in the blanks with the correct word. यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे 5 ब्लैंक्स हैं क्योंकि एक ब्लैंक में दो ब्लैंक दी गई है इसलिए डाउन कटर्स का स्कोप पेन और रिडू एंड ड्राइंग ये देखते हैं The blank is the largest part of the main screen of tux pen. तो ये में क्या आएगा? First main answer is drawing canvas. Drawing canvas. B देखते हैं. The selector has blank and blank buttons to scroll through the list of options available. So first main में of और दूसरी बैंक में वही बी में ही दो ब्लैंक है फर्स्ट में अप और दूसरी में डाउन सी देखते द ब्लैंक टूल लेट्स यू ड्रॉ फ्री हैंड इमेजेस आंसर इज पेन ई आई डी देखते हैं टू रीअप्लाई द चेंजेस रिवर्स बाय कमांड You should use the blank click tool. So answer is redo tool. Answer is redo tool. E देखते हैं बच्चों. You can open a save drawing by pressing blank on the keyboard. So answer is shortcut key है control plus O open के लिए control.
एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ कंप्लीट होते हैं। हमारा पूरा कंप्यूटर का सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है बच्चों, सारी चीजें हमने आपने देख ली होगी, हमने जो जो यहाँ पर प्रोपर करवाया समझाया आपने टेक्स्ट बुक में लिख लिया और होगा इसी चैप्टर की एक्सरसाइज आपने पहले टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से फिलअप कर ली होगी, लिख ली होगी। इसी तरह से आप सही नंबर का मतलब आप लिखें तो उन्हें भी अच्छे हैंडराइटिंग से एक बार लिख लीजिए और रन कर लीजिए। बाकी जो रिविजन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।